पाकिस्तान में जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं और इसको सपोर्ट देने के हवाले से बात करते हैं तो अक्सर हम रेमिटेंसेस का जिक्र करते हैं के हवाले से बात करें ये जो तरसीलत आती हैं बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी पैसा कमा के जो पाकिस्तान भेजते हैं उसमें अगर हम कंपेटिव फिगर्स को देखें तो दो हज़ार में 6.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स रेमिटेंसिज़ आए थे पाकिस्तान में और अगर हम पिछले माली साल की बात करें तो पिछले माली साल में साढ़े अठारह अरब डॉलर के रेमिटेंस पाकिस्तान में आए जो एक एक हिस्टोरिक फिगर हम कह सकते हैं और पाकिस्तान का नंबर अब दुनिया के टॉप टेन कंट्रीज़ में आ गया है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेज आते हैं बा लाज हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज इंडिया में आते हैं जो तकरीबन सेवेंटी फोर से सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव बिलियन अमेरिकन डॉलर्स है उसके बाद फिर चाइना में तकरीबन 70 या 71 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के आते हैं फिर अगर कुछ ऐसे ममालिक बात करें जहां ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेज आते हैं तो उनमें फ़िलपिन का नाम आता है फिलपी में तकरीबन 30 अरब डॉलर के रेमिटेंसेज आते हैं फिर बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंसेज आ रहे हैं आजकल कल दो हज़ार की बात करें तो तकरीबन फिफ्टीन बिलियन अमेरिकन डॉलर के रेमिटेंसेज बांग्लादेश में आए थे अगर हम वर्क के हवाले से बात करें तो दुनिया भर में तकरीबन ढाई मिलियन माइग्रेंट्स काम करते हैं आ, अगर हम इंडिया की बात करें तो इन 250 मिलियन माइग्रेंट्स में तकरीबन 25 मिलियन माइग्रेंट्स इंडिया के हैं जो दूसरे ममालिक रहते हैं मुख्तफ ममालिक रह के वहाँ पैसा कमाते हैं और इंडिया भेजते हैं पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के तकरीबन सत्तर लाख पाकिस्तानी दुनिया के मख्त ममालिक में काम करते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं ये जो पैसा आता है आ, इसका इम्पेक्ट हमारी इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा पॉजिटिव आता है उसकी वजह से कितनी ज़्यादा हमारी मीशत को सख्त मिलती है तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे इसी हवाले से आज हमें स्टूडियो में जॉइन किया है मोहम्मद इब्राहिम कसूमी साहब ने आप सबक सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के इब्राहमी कहते हैं योर मोस्ट वेलकम और आपके साथ तशीफ अमाएं खलील अहमद नैनी वाला बहुत बड़े बिजनेस मैन किसी तार्फ़ के मोहताज नहीं है खलील साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर मोस्ट वेलकम खलील साहब ये फरमाई कि अगर हम रेमिटेंस के हवाले से बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मीशत को काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिल रही है पिछले माली साल की अगर हम बात करें साढ़े अट्ठारह अरब डॉलर के जो रेमिटेंसेज आए उसका जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो तकरीबन बारह अरब डॉलर तो सिर्फ जी सी सी कंट्रीज से आए थे और तकरीबन साढ़े पाँच से छः बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि पिछले माली साल में साढ़े बारह आ, अगर बारह बिलियन में डॉलर जी सी तो तकरीबन साढ़े पाँच बिलियन में डॉलर सिर्फ एक मुल्क से आए सऊदी अरेबिया से सऊदी अरेबिया से बहुत ज़्यादा रिमिटेंसेस आते हैं कैसे करेंगे एनालिसिस सर शुक्रिया पहले आपने जहमत दी यहाँ पर असल में इसके थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा अभी आपने जो फिगर्स दिए हैं अगर एवरेज वाइज देखें जो आपने 74 बिलियन को पाकिस्तान के 18 बिलियन से लगाया है तो ये देखें उनकी आबादी 12 टू 13 टाइम्स है इंडिया और चाइना की बिल्कुल अगर उसको कंपैरिजन सामने रखें तो वी आर इन ए वेरी गुड शेप कि हम सिर्फ पांच गुना ला रहे हैं यानी जितने भी उनके फिगर्स के आगे अट्ठारह को पाँच से अगर ज़रब दें तो नब्बे होते हैं जबकि सेवनटी वो ला रहे हैं इसका मतलब यह हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं और ज़्यादा पैसा भेजते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड चाइना अलावा आपने जो मिसाल दी है फिलीपाइंस की उसकी वजह भी एक ख़ास है फिलीपाइंस दुनिया का वाद मुल्क है जो अपने शहरीों की न सिर्फ हिफाज़त करता है बल्कि उनकी सेहत और उनके सैलरी वेजेस को भी कंट्रोल करता है हमारे मुल्क में ऐसा कोई रिवाज नहीं है जो जितने में चाहे 800 सौ धर्म में बुला लें या वो जो भी मतलब ये 400 सौ धर्म में बुला लें तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती उसके लिए और न ही वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन देती है अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो पाकिस्तान एम्बेसी में तो जाना ही नामुमकिन है हादसे की अगर कोई बहुत बड़ी होगी तो वो सफ़ीर साहब बुला लेंगे उस ग्रुप को लेकिन अगर कोई डिफॉल्ट कर रहा है उसको इंडिविजुअली उसको कोई लुक आफ्टर नहीं करते मैं अभी अक्सर आपने जब हवाला दिया सऊदी अरब का एक दफ़ा मुझे जाने का इतफाक़ हुआ तो वहाँ बाहर शोर मच रहा था पूछा क्या बात है कहा जी एक कंपनी जो छः महीने से पैसे नहीं दे रही और सिर्फ जो मकान दिया हुआ है वो और खाना दे रही है तो हम उसके साथ जब झगड़ा करते हैं तो वो पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है हम तुमको बाहर भेज देंगे निकाल नहीं करते जबकि हम दो दो लाख रुपए यहाँ के एजेंट को देकर आए हैं और अभी हमें आए हुए अभी छः सात ही महीने हुए हमें पहली तनख्वाह भी नहीं मिली क्या जी, जी अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है अभी ये नहीं हुआ अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी यह काम नहीं यानी <coughs> मुख्तलि बहानों से वो करते हैं लेकिन इसके बरक्स अगर सिर्फ दो एम्प्लॉयर फिलिपाइंस के उनकी एम्बसी में जाएँ और जाकर कहें कि साहब हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं यकीन करें वो फ़ौर उस कंपनी को कॉल करेंगे अगर कंपनी रिस्पॉन्स नहीं देती तो वो फ़ौर पुलिस को रिपोर्ट करेंगे ये है वर्क इसके बावजूद भी हमारे मेहनत कश इसको भी बर्दाश्त करते हैं यानी अब एक अपना रवैया एक वहाँ की पुलिस का रवैया फिर दूसरी बात ये उन्होंने मिनिमम सैलरी का वो रखा हुआ पैकेज अगर इससे कम कोई ऑफर करे तो वो कहते हैं हमें आप रिपोर्ट कर दें और उनकी बल्कि अगर आप जाके देखें ना इस तो सबसे ज़्यादा फिलिपिनो मेड्स मिलेंगी आपको इन दोनों जगहों पर बिल्कुल लेकिन सऊदी अरब की रिपोटेशन काफ़ी ख़राब हुई मेड्स के मामले में तो अब इंडिया ने भी और फिलिपाइंस ने भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और चूंकि दुबई इससे ज़रा मुख्तलिफ है वहाँ लॉ एंड ऑर्डरस की सिचुएसन बहुत अच्छी है और दूसरा वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो इंसाफ करते हैं वो किसी के उसमें नहीं आते तो लिहाजा वो वहाँ ज़्यादा सेफ़ हैं इवन बहुत से लोग कोई से भागकर दुबई में पनाह लेते हैं जब उनके शेख उनको लेकर आते हैं तो यहाँ वो स्लिप कर जाते हैं ये कई है यानी उसमें केसेस हुआ है तो उसकी वजह यह वो जाते हैं अपने एम्बेसी में जाके कहते हैं जी फ़लाने मुल्क के लोग जो हैं हम हमारे साथ यानी ज़्यादियाँ करते हैं और हम वहाँ की हुकूमत सुनती नहीं है क्योंकि उनको पूरी तरह अरबी आती नहीं है और अरबी के बग़ैर वहाँ पे कोई गुजारा नहीं है अगर आप इस सारे सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तानी जो हमारे मेहनत कश हैं वाकई मैं कहता हूँ उनको जितना हम ट्रिब्यूट पेश करें वो कम है ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि पिछले दो साल से वहाँ के लोग कहते हैं कि जी हमें वोटिंग का हक़ हाँ दिया जाए आज 40 साल हो गए उनको बहुत से लोगों को रहते हुए और क्योंकि आपको पता है वहाँ काम ही मिलता है और उनको और कुछ नहीं मिल सकता शहरीत तो मिलती है नहीं पूरे गल्फ में ये तो सिर्फ अमेरिका और जहाँ पे आप कहते हैं ना कि पैसे क्यों कम आ रहे हैं उसकी वजह ये वो अब सेटल हो गए हैं वहाँ की उनको नेशनलिटी मिल गई है पासपोर्ट मिल गए दे आर वेल टू डू हो गए जो जिस के काम के लिए गए थे वो उस काम में सेट हैं अच्छा तो यही वजह है कि पिछले मालीस साल में पूरे यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें अट्ठाईस ममालिक बात करें तो वहाँ से पाँच सौ मिलिय अमेरिकन डॉलर भी नहीं आए नहीं आएगा ना इसलिए वो क्यों भेजेंगे वो तो ख़ुद सेट हो गए और उन्होंने आज चूँकि उनको नेशनलिटी मिल गई तो उन्होंने अपनी फैमिली को वहाँ ही बुलाना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ देखिए सेहत तालीम ये सारी चीज़ें फ्री हैं तो वो ख़ुद भी अपना क्या कहते हैं अपना पैसा बचा लेते हैं और इस तरह से अपने बच्चों को फिर वालदे को फिर रिश्तेदारों को बहनों को जाएंगे अगर मिसाल के तौर पे तीस साल पहले एक एक, एक शख्स जाएगा उसके बाद जाके वो अपनी बीवी को सेटल कर सकता है फ़ौर नहीं उसके बाद अपने बच्चों को बुला सकता है अंडर एटीन फिर ओवर एटीन को वो बाद में बुला सकते हैं फिर वालदेन को बुला सकते हैं बहनों को बुला सकते हैं तो अब पता ये लगा कि उनका आधा पाकिस्तान में वहीं बस 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 गया बल्कि बहुत से इलाकों में आप कनाडा अमेरिका में जाएं तो बहुत से इलाके तो ऐसे लगेंगे जैसे आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं तो वो सेट हैं तो वो हार्डली किसी गरीब को यहाँ जो उनका कोई रिश्तेदार होता है उसको भेज देते हैं लेकिन वो पीनट्स हैं यानी उनका मेन इनकम वहीं ख़र्च होती है क्योंकि उन्होंने आप अप अपने बच्चों को पढ़ाना है अपने बच्चों को आगे तालीम देनी है सब कुछ करना है तो वो अपने चूँकि वो सेट हो गए और दूसरा पाकिस्तान की गुजशत सात साल से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुशर्रफ साहब के जाने के बाद हुई है वो आपके सामने ये तो खुशकस्मत है कि फौज ने इस वक्त मुदाखलत करके ये एक साल में माशा इतनी कामयाबी हासिल कर ली है कि अब लोग जो के बाहर सेटल हो रहे थे वो वापस आने शुरू हो गए खासतौर पर बिज़नस मैन क्योंकि आपको पता है यहाँ बिजनस मैन का बहुत अच्छा स्कोप है अभी भी दुनिया के शायद चंद ऐसे ममालिकों के जहाँ बिज़नस मैन को डायरेक्ट ही इंट्रेंस मिल जाती है अपने मुल्क की वजह से भी और दूसरी बात ये मेहनत करने वालों के लिए कोई वो नहीं है अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो सबसे पहले यूब खान की गवर्नमेंट में दो लाख जर्मन ने अपने वो मांगे थे कि जी अपने मेहनत कश भेज दें हमारी बदकिस्मती देखिए उस वक्त हमने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया और नहीं भेजा हमारी बैरूक्रेसी ने उनको मशवरा दिया फौजी हुकूमत थी कि जी अगर ये हुनरमंद चले गए तो पाकिस्तान में बढ़ाइए और ये जितने कारपेंटर्स फलाने फलाने कोक ये ही लेंगे यहाँ महंगाई हो जाएगी तो लिहाजा नहीं दे इसके बरस टर्की ने दो मिलियन दे दिए फाइव जर्मनी यहाँ दो, दो लाख गए थे जर्मनी अब ये देखें बहुत से शहर तो ऐसे हैं कि अवल तो कोई शहर ही नहीं होगा जर्मनी में जहाँ पर टर्क ना हो ना हो दो तीन शहर जैसे बर्लिन है उसको तो मेयर भी अब जर्मन आ रहे हैं अंदाजा लगा वहाँ की अक्सरियत टर्की सब टर्किश जर्मन जी जी अच्छा आपको पता है ये टर्किश औलाद पैदा करने में भी हमारे से आगे हैं तो वो हम दूसरी तरह वो नहीं वो करते हैं बर्थ कंट्रोल्स वगैरह इस किस्म की मज़हबी रुझान के और फिर माशाल्लाह सेहतमंद भी होते हैं तो लिहाजा बहुत सी आबादियाँ फ्रैंकफर्ट में आप जाएँ कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ टर्किश रेस्टोरेंट ना हो कोई शहर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ टर्किश की कम्यूनिटीज़ का वह सिस्टम ना हो लेकिन इसके बरक्स हमारे जहाँ इतनी बड़ी आबादी जैसे अभी आप बता रहे हैं सऊदी अरब और दुबई में हमारे कोई कोई देखने वाला नहीं इस काम के लिए अगर हुकूमत अभी भी सरपस बल्कि यहाँ से भेजने के लिए चौदह चौदह हज़ार रुपये प्रोटेक्टर के लेते हैं ये जिस नथिंग प्रोटेक्टर क्या जी हम आपको वहाँ वो सेव करेंगे यहाँ निकालने का किसी ने किया तो वो होगा इसकी पूरे दो दो तीन तीन दिन लोगों के ज़ाया होते हैं बग़ैर प्रोटेक्टर के कोई जा नहीं सकता जो कि एम्प्लॉयमेंट के उसमें मगर उसको मिलेगा क्या वहाँ जाके कभी भी कोई फेयरवेल भी नहीं होता चौदह अगस्त की उसमें उसके कोई पार्टिसिपेशन नहीं है तेईस मार्च की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है हती कि अगर कोई मुफलिसी में मर जाए तो उसकी लाश भी है तो अच्छा पी ने वो कर दी है कि भाई हम फ्री ले आएंगे अदरवाइज़ वहाँ के कोई भी हमारे सफारतखाने इस चीज़ में कोई मदद नहीं ये, करते ये बहुत बहुत अहम चीज़ें हैं इब्राहिम साहब जो खलील साहब ने डिस्कस किए हैं देखें जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे अपने वर्कर्स को चाहे वो ब्लू कॉलर वर्कर्स हो या वाइट कॉलर वर्कर्स हो आ, दुनिया में अगर देखें तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के तकरीबन नबे लाख बांग्लादेशी मुख्तलफ़ ममालिक में काम करें पाकिस्तान के अगर सत्तर लाख पाकिस्तानी मुख्तफ ममालिक काम करें अगर उनको सपोर्ट मिलेगी तो फिर यहाँ से ज़ाहिर लोग जाएँगे दूसरा जो सऊदी अरब के हवाले से हम बात करें या यू के हवाले से बात करें तो यू और सऊदी अरेबिया का पिछले फिसक्र में भी अगर आप देखें तो यहाँ से ज़्यादा पैसे आए यूरोपियन 28 अट्ठाईस सिवाय यूके को छोड़ के क्योंकि यूके की अगर हम बात करें तो इस माली साल में जब मैं 11 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के रेमिटेंस इस माली साल के पहले सात महीने में देखता हूं तो उसमें तकरीबन डेढ़ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स यूनाइटेड किंगडम से आए डेढ़ बिलियन यू एस ए से आए हैं और तकरीबन थ्री पॉइंट थ्री बिलियन अमेरिकन डॉलर सऊदी अरेबिया से यानी सऊदी अरेबिया अरे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना वर्कर्स को मैं इस तरफ बहुत सी बातें खलील साहब ने कहीं इस बारे में लेबर की वेलफेयर के बारे में मैं इसको दूसरे एंगल से इकोनॉमिक एंगल से देखूंगा मैं ये समझता हूँ कि ये 18 अरब या 17 अरब जो भी डॉलर्स रेमिटेंसेज आ रही हैं इसका बहुत बड़ा पाकिस्तान को इकोनॉमिक सपोर्ट है आप समझ लें कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है जिस तरह आप दूसरी कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह मैन पावर एक्सपोर्ट भी एक सर्विस है और उस शख्स को जो बाहर जा रहा है उसको आप एक्सपोर्टर ही की तरह ट्रीट करें उसको वो वीआईपी ट्रीटमेंट देना होगा जो कि आप बाकी एक्सपोर्टर्स के लिए आप जाहिर है कि इंसेंटिव दूसरी मारात देने की कोशिश करते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़े इसी तरह मैन पावर एक्सपोर्ट को भी फैसिलिटेट करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी

तो ये तो कोई आ, मैं समझता हूँ कि उनको ऐसे बेगर ट्रीट कर रहे हैं हम और उनकी इनकम से हमारी जो इस वक्त यहाँ अयाशियाँ लगी हुई हैं हम एफ़ टी एस करते हैं एफ़ टी एस के बाद हम दस ग्यारह बारह पंद्रह अरब डॉलर की लग्जरीज इम्पोर्ट कर लेते हैं और ये उन्हीं के पैसों से हम कर रहे हैं ये सारी हमारी जो बिल्कुल इसका मतलब खलील साहब ने जो पॉइंट्स बताए हैं बड़े अहम पॉइंट ना एक तो ये कि प्रोटेक्शन पॉइंटली exactly. दूसरा है कि देखिए फिलिपिनोस कैसे अपनी थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक इसके जो रोल है इस इस रेमिटेंस का मैं उसकी तरफ आऊँगा कि गुजशत आठ साल यानी दो हजार आठ से लेके या बल्कि इससे बहुत पीछे नाइन्टी थ्री पे चले जाए तो एक डेढ़ खरब रुपये आपके लोन्स थे एक्सटर्नल डेट और सब मिला के और 2008 में तकरीबन 6 अरब के करीब 6 खरब 6000 बिलियन रुपीज़ आज वो 18 खरब 18000 बिलियन रुपीज़ वो आपके कर्जे हैं जिसकी सर्विसिंग आप तकरीबन 1100 से 1200 अरब रुपए से सालाना करते हैं ये आपके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती है मसला ये है कि हम उस रेमिटेंसेस को या गुजशतर समझ लें कि आप दो से आज तक अगर हमने दस खरब या टेन थाउजेंड बिलियन का इजाफा किया कर्जों में उसके सामने हमें या तो कोई प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हो या कोई बहुत बड़ा ऐसा काम हुआ हो मुल्क में कि हम हम कहें जी ठीक है जायज़ कर्जा लेना बुरी बात नहीं है बशर्ते कि वो सही जगह इस्तेमाल हो और वो रेमिटेंसेस जो आ रही हैं बैरून मुल्क मेहनत कश पाकिस्तानियों से उसको हम ये अपना डेफिसिट पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि हम उसे किसी ऐसे चैनल में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं अब यही जिसकी वजह यह है कि हमारा जो जो एक तो फिजिकल डेफिसिट और दूसरा ट्रेड डेफिसिट ये दो चीज़ें हमारा सब कुछ वसाइल जो भी आ रहे हैं वो लोग मेहनत कर रहे हैं आपको दे रहे हैं उसका वो उनका हक बनता है कि वो आपसे हिसाब मांगें कि जी गुज्त दस सालों में हमने आपको तकरीबन अस्सी नब्बे अरब डॉलर भेजे हैं हिसाब कर लें आप वो कहाँ गए That's अगर part, आपका बेटा आपको भेज रहा है ना बाहर हाँ। से पैसे तो वो भी किसी दिन हिसाब मांग लेगा कि भाई ये आप अब्बा आपको भेजे थे तो क्या हुआ इस पैसों का तो ये ओवरऑल ये इसको इस सोर्स को इस रिसोर्स को आपको बड़ा कंस्ट्रक्टिवली इकोनॉमिक आपके जो प्लान हैं उसमें यूज करना है और इस वक्त आपके पास अल्लाह ताला ने बड़ी अपॉर्चुनिटी ये दी है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस इतनी नीचे हैं और आपका बहुत बड़ा एक हिस्सा जो आपका इंपोर्ट बिल का वो आपका कम हो गया है तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि अगले दो तीन साल में हम उस आ, उस तरीके से इसको मैनिपुलेट करें और उस तरीके से एक, एक, एक दो हज़ार नौ में अगर हम देखें तो दो हज़ार नौ में पहली दफ़ा आपके इल्म हुआ कि शौकत तरीन साहब साब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान रिमिटेंस इनिशिएटिव के नाम से और उसके बाद एकदम से हमने देखा कि रिमिटेंसेस बढ़ गए ये जो हुंडी हवाला के जरिए ट्रांजेक्शन होती हैं उससे जाहिर ऑफिशियल चैनल के जरिए आना चाहिए तो आपके ख्याल में ये जो पीआरआई का इनिशिएटिव था वेरी गुड इनिशिएटिव बाय शौकत जी ये बहुत अच्छा था बल्कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए था देखिए एक बात बहुत अच्छी कही इन्होंने कि इंसेंटिवस अगर हम इसमें लाएँ तो वो बेकार नहीं जाएंगे एक तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा आपके कर्जे की अदायगी होगी दूसरा हर जगह से हम भीख मांग मांग के इतने बदनाम हो गए कि पाकिस्तान का नाम आते ही हमको समझा जाता है कि ओहो ये तो बद, बकौल उनके ये तो यार अल्लाह माफ़ी की कौम है दे दें इनको कुछ ना कुछ यानी अगर हम हम इतनी बड़ी बहसियत मुसलमान मुल्कों के छप्पन मुल्कों में वाद न्यूक्लियर पावर्स हैं हमारे सारे कर्जे हमें तो आपको पता ही नहीं हम कैसे अदा कर सकते हैं हमको तो लेने की नहीं बल्कि देने की ज़रूरत पड़ सकती है हमारी फौज को देखें हमारे सोर्सेज एंड रिसोर्सेज को देखें मगर अगर यही पैसा जो हमारे हुक्मरान आठ साल में ले गए यहाँ से उसका हिसाब बनाएं तो वो उससे ज़्यादा है जो फॉरेन रेमिटेंस भेजी गई है हमारे आ... हुक्मरानों ने जी, से पैसे बना के आपके ख्याल में बाहर मुंतकिल किए हैं वो पैसे ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली जो बाहर से रेमिटेंस आए आपको इंटरप्ट करूँगा मैं वो ये कि आप उनके जो एक स्कीम आप लाए थे कर्ज उतारो मुल्क सवारो वो भूल गए शायद उसमें आप उनके दस अरब डॉलर आप उनके दस अरब डॉलर खा गए थे वो बेचारे आप... बड़ी मुश्किल से वो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया जिसकी वजह से रिमिटेंस आपकी काफ़ी अरसे तक रुक गई थी वो एक इट वॉज अ लॉस ऑल्सो वो आप रिस्टोर करें और वो हुआ और लोगों ने बहरा जाहिर है कि उनकी ज़रूरत भी हैं उनकी फैमिलीज जिनकी यहाँ हैं उन्हें मजबूरी है कि भेजना है लेकिन लोगों ने पाकिस्तानियों ने दिया था उसमें और उस वक्त आज भी पाकिस्तानी बाहर जो रहता है पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखता है आपको सपोर्ट करेगा आप उसको ये नज़र आना चाहिए कि मेरा पैसा जहाँ जा रहा है वो सही जगह लग रहा है इकोनॉमी मैनेज हो रही है मुल्क में बेहतरी आ रही है अगर मेरी फैमिली पाकिस्तान में और मैं बाहर काम कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा कंसर्नस है मैं रोज़ घर पर फ़ोन करता हूँ कि ये फ़लाँ क्या हुआ ये कराची में ये फ़लाँ वाक़ हो गया क्या हुआ आप लोग सब खैरियत से हैं ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा उनके लिए हमने स्कीम्स काफ़ी अनाउंस की थी काफ़ी इस दौरान गुज्त हर हुकूमत में 10-20 साल पे आप देख लें तो कोई प्लॉट्स उनके लिए उनके लिए ज़मीें या उनके लिए हाउसिंग या या उनके लिए और आ, आ, चीज़ें हमने अनाउंस की बहुत सी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता जैसा इन्होंने कहा वहाँ एम्बेसीज़ में पाकिस्तानी बेचारा घुस भी नहीं सकता बस दफ़ा उसको कोई फैसिलिटेशन नहीं होती जबकि दूसरे कंट्रीज़ की फिलीपींस की खास तौर पे इंडिया की एम्बेसी भी वहाँ पर बड़ा इफेक्टिवली काम कर रही होती है हमारे यहाँ के जो यहाँ से जो लोग जाते हैं बदकस्मती से शायद पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं क्या होता है उनके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि ये वो लोग हैं जो हमें पाकिस्तान को ज़िंदा रखे हुए हैं तो उनको उस तरीक़े से हमें फैसिलिटेट करना है जैसे आप एक एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं उसकी तो जाहिर है कि एक स्ट्रॉग वॉइस है हर जगह वो बात कर सकता है उन बेचारों की कोई एक आवाज़ नहीं है तो वो आवाज़ होनी जरूरी है हमें उसको देखना होगा प्रोटेक्टर की इन्होंने बात की वाकई ये गैर ज़रूरी है इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है कोई कुछ नहीं कर वो उनके पास मेकेनिज़्म ही नहीं है नहीं। नहीं। उनके पास सिर्फ यही है कि आप जाएँ एक ठप्पा लगे एयरपोर्ट पर भी वो ठप्पा यूँ पासपोर्ट खोल के देखा जाता है कि जी लगा हुआ है क्यों नहीं लगा हुआ है ये आप लगा करें वो प्रोटेक्शन कोई नहीं है वहाँ

और यही हुकूमत जो आज बैठी है इसी ने दो मरतबा ऐसा किया जैसे अभी बताया कि कर्ज़ उतारो पता नहीं क्या समारो वो कर्ज़ तो उतरता क्या <laughs> उतरता वो समर गए ये नवाज़ शरीफ साहब के दौर में हुआ फिर इन्हीं के दौर में एक रात में जिस दिन हमने एटम बम का वो किया था सारे पैसा जो था फ़ौर एक्सचेंज जो था एक रात में बैंक बैंक बैंकों से तो ले लिया वो उसने हमारे जो फ़ौर रेमिटेंस के लोगों को एतमाद ही खो दिया हमारे बिजनेसमैन का एतमाद खो दिया फिर आप ये देखिए लोग कहते हैं कि बाहर पैसे क्यों भेज रहे हैं आप ये बताइए जिस जिस मुल्क में दो साल में रुपए की कीमत आठ आने रह जाए तो आप बताइए कितना बड़ा डाका डाला गया है साठ रुपए का डॉलर जो दस साल से मुशरफ के दौर में फिक्स था और वो पी पी की हुकूमत आते ही दो साल में नबे में पहुँच गया दिस इज पॉइंट वी वी नीड टू टॉक अबाउट नाजीन हम बात करें फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से वक्त एक ब्रेक का साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन बात कर रहे हैं रेमिटेंसेस की जितनी ज़्यादा हेल्प रेमिटेंसेस की वजह से हमारी मीशत को मिली शायद ही किसी भी सेक्टर की तरफ से मिलती हो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को टैकल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और सीज़ पाकिस्तानी को कितनी ज़्यादा मदद मिलती है उन एम्बेसडर्स की तरफ से उन काउंसिल जनरल्स की तरफ से जो उन शहरों में रहते हैं जहाँ हमारे पाकिस्तानी जाके काम करते हैं खलील साहब वाकई सपोर्ट मिल रही है अगर सपोर्ट नहीं मिल रही तो हुकूमत को यहाँ बैठते उन लोगों से क्या क्या डिमांड करना चाहिए कि देखिए ना मैंने ना। पहले बताया ना कि बहुत सारे गैप्स हैं आप किसी एक गैप को भी पूर्ण करने की कोशिश करें तो आपकी रेमिटेंसेज ऑटोमेटिकली बढ़ जा बिल्कुल नंबर वन प्रोटेक्शन प्रोटेक्टर तो उसको दे दिया पंद्रह हज़ार लेकर मगर प्रोटेक्शन नहीं दी तो दोहरा उसका नुकसान दूसरी बात यह कि हमारे जो कमर्शल कौंसलेट्स हैं आज तक मिसाल दे दें कि उन्होंने कोई बिजनेस लेकर दिया हो देखिए ये हैं वो आप इंडिया में आपके कौंसिल में जाइए दुबई में आए दिन वो सेमिनार कराते हैं अब अभी उन्होंने इंडिया में इंडिया की प्रॉपर्टी का वो मन लगाया जबकि दुबई सबसे बड़ी जन्नत है प्रॉपर्टी ख़रीदने में उन्होंने इंडिया में के प्रॉपर्टी को दुबई में आकर इस तरह बेचा है उन इंडियंस ने ऐसा ख़रीदा कि उन्होंने कहा जी अब हमें क्या ज़रूरत है जब हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी सेफ़ है और फिर हमारा पैसा भी सेफ़ है जबकि दुबई में हमारी कोई नेशनलिटी नहीं है या सऊदी अरब में कोई नेशनलिटी नहीं है हाँ अलबत्तः आपकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके फ्री जोन बना दी है तो वहाँ तो सही है लेकिन आए दिन पाँच साल सात सा साल के बाद को कोई ना कोई प्रॉपर्टी का सेटबैक आता है जैसे अभी दोबारा फिर सेटबैक आया हुआ है दुबई में इसके बरक्स इंडिया में इस वक्त थ्री टाइम प्रॉपर्टीज़ बढ़ी हैं सिर्फ दो साल में हमारे साथ मुकाबला कीजिए एक तो नब्बे रुपये का डॉलर जैसे ये गवर्नमेंट आई एक सौ दस रुपये पहुँचा फिर एक खेच खींच के उनको पता नहीं कहाँ कहाँ से धमकियाँ मिली तो वो ले आए वापस मगर हमारे एक्सपोर्टर जो हैं टेक्सटाइल के उनके डर से आहिस्ता 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 फिर वापस वो एक सौ आठ रुपये में ले आए क्योंकि उन्होंने धमकियाँ दी थी कि हम अरे भाई आप अपने मुल्क की इकानमी देखिए इन टेक्सटाइल वालों की क्यों वो कर रहे हैं आपका रुपया तो वैसे ही आठ आने में तो इंडिया से आप वैसे ही आ गए हैं अपना एक्सपोर्ट करने में इंडिया आपका मुकाबला नहीं कर सकता फिर आप इनकी धमकियाँ क्यों उठा रहे हैं आप अपने पैसे को मजबूत बनाइए फिर जो मैंने आपको बार बार कहा ये अट्ठारह की अगर सिर्फ पाँच परसेंट की फैसिलिटीज़ दे दें क्योंकि पाँच पर्सन जो है ना गवर्नमेंट कम्पनसेट करेगी अगर आप सौ रुपये भेजते हैं पाँच परसेंट हम देंगे आप यकीन करें ये अट्ठारह बिलियन एकदम छत्तीस बिलियन हो जाएंगे बहुत अच्छी यानी सिर्फ पाँच पर्सेंट में जबकि आप आई एम एफ के आगे भीख मांगते हैं उनकी शराइ मानते हैं अपने चीज़ों की कमोडिटीज़ को गिरवी रखते है ये ऐसे नहीं देते आपको ये आपकी सारी चीज़ें गिरवी हैं ये भूल जाएँ कि आप आज़ाद कौन है आपका सिर्फ एक न्यूक्लियर बचा हुआ है वो भी पता नहीं इनडायरेक्टली है गिरवी है या नहीं है लेकिन सेव नहीं है हम कहते तो हैं सेफ़ है लेकिन अल्लाह मालूम आजकल के ऐसी ऐसी चीज़ें याद हो गई हैं कि मिनटों में नहीं सेकंडों में यूँ यूँ ख़त्म कर सकते हैं वो आप जब यहाँ बैठ के कारगल की एक फ़ोटू देख सकते हैं कि जी हमारी ये हो रही है कार है ये हो रही है तो इसका क्या मतलब है हम हम कहाँ से सेफ़ हैं हम वहाँ से यहीं से बैठ के आप गूगल पे जाइए अपना पॉइंट डाल दीजिए आपको नज़र आ जाएगा अब मैं इस वक्त यहाँ बैठा हुआ तो कहाँ से सेफ हुआ मैं इसी तरह से इन कमर्शियल अटैचीज से पूछा जाए और इनका हिसाब लिया जाए कि जी आपने अपने टेन में क्या बिज़नेस ला के दिया पाकिस्तान को इंडिया में है ये इंडिया में फ़ौर बुला लेते हैं कि जी आपने क्या किया माँ मैंने आपसे कहा ना अभी जो उन्होंने इतनी बड़ी सेल की है कि उसके बाद दुबई गवर्नमेंट को दोबारा प्रॉपर्टी की वो लगाई जब उन्होंने एग्जीबिशन ट्वेंटी परसेंट सिर्फ लोग आए वहाँ पर ख़रीदने के लिए जबकि पहले एग्जीबिशन में हंड्रेड परसेंट बल्कि दाखिला नहीं मिल रहा था उस दिन दुबई की ट्रैफिक जाम हो जाती है जिस वक्त वो एग्जीबिटर्स आते हैं शाम में जाते हैं उस वक्त दो दो घंटे के लिए ट्रैफिक जो है उनको बाईपास किया जाता है इस दफ़ा हम हम ऐसे घूमते रहते हैं देखे जाके तो, तो लोग बुला रहे थे वो लोग जिनके पास हम जाते थे बड़े बड़े नाम हैं ईमार धमाक ये वो ऐसे ऐसे लपक रहे थे जैसे हम पता नहीं कहाँ से वो आ गए हालांकि हम तो सिर्फ तफरी करने गए थे तो पवेलियन खाली पड़े हुए थे उनके लोग जो हैं घूम घूम के वो कर रहे थे ऑफर कर रहे थे जी लंच जी कार्ड ये आप आप फलानी जगह हमारे साथ लंच करें फ़लानी जगह हमारा डिनर करें फ़लानी जगह सफारीश सारी वो की थी लेकिन इंडिया वाले आए और सारा पैसा जो इंडियंस का था क्योंकि पाकिस्तानी तो वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो सारे इंडियंस ने कहा जी अब हम वहीं करेंगे तो इंडियन प्रॉपर्टी की इतनी वो हुई कि दुबई गवर्नमेंट हिली हुई है इस बार और आप यकीन करें और और इसलिए भी हिल गई कि आगे उनका जो आ रहा था जो उनका ख्याल था कि जी हम और एक्सपेंड करेंगे अभी वो प्रॉपर्टी जो कि प्राइम जगह पर है वो नहीं बिक रही तो अंदर की जगहों पर कहाँ से बिकेगी जो जनरल से उनसे कमर्शियल काउंसिल्स से जी 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 या जो हमारे को हम भेजते हैं उनसे किसी किस्म की कि आपके ख्याल में हमारे क्वेश्चनार होना चाहिए देखिए ना आपको हम इतनी बड़ी बड़ी फॉरेन एक्सचेंज में हैं इतनी इज्जत दिलवा रहे हैं लेकिन है, है। उनका वकार क्या है कि रेड पासपोर्ट पर जहाँ चाहें जा सकते हैं आ सकते हैं जी आराम भी ऐसा करते हैं कि काउंसलर जो है आप प्राइवेट सेक्टर से लें बिजनेस सेक्टर से लें ऐसे लोग लें जो वॉलेंटरीली साल दो साल जिस तरह हम कभी चैम्बर में एक साल दो साल सर्विस देते हैं वॉल्टरी सर्विस होती है ऐसे लोग आप लाएँ उनको ऑनररी बनाएँ और उसके उनका उनको ये टास्क दें और वो ये चीज़ कर सकते हैं दो तीन बातें इन्होंने खलील साहब ने कही मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आना चाहूँगा एक तो ये कि अगर आप ये करते हैं कि पांच फीसद अगर आप देते हैं ज्यादा या कोई ऐसी कोई स्कीम देते हैं मसला हमारा ये है इंसेंटिव ये नहीं इंसेंटिव तो मगर मसला ये कि उसमें सेफ आपको बड़े डालने पड़ते हैं क्योंकि वो पैसा वो रिसाइकल होना शुरू हो जाएगा जो कि उन लोगों का है जो जो बेचारे लेबर क्लास में नहीं है उनके पास तो बहुत थोड़ा लेकिन जो इन्होंने कहा बाद दुबई में तकरीबन सौ अरब डॉलर नहीं, से ज्यादा हमारा मगर उसके तो लिए इंसेंटिव को आपको स्ट्रक्चर करना पड़ता ठीक है वो स्ट्रक्चरिंग करनी जरूरी है ताकि वो सेफ गार्ड डाले मिस यूज ना हो जिस तरह हम यूरो बॉन्ड्स में मिस यूज करते हैं सवा आठ परसेंट में हमने उठा लिया तो किसका था पैसा वो सवाठ इज ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी आर पेइंग जब तो, तो, कोई, चार तो इसी तरह ये भी शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कोई और उसका रास्ता देखना पड़ेगा ऑफ कोर्स यू नीड इंसेंटिव और इंसेंटिव उस शक्ल में होते हैं जैसे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं ये जो प्रोटेक्टर की बात हो रही थी तो एक इंश्योरेंस की एक छोटी सी पॉलिसी जरूर दे देते हैं उनको लेकिन उन्हें पता नहीं उसकी अवेयरनेस बिल्कुल नहीं उसके साथ जो कुछ भी होता है इस इंश्योरेंस उसका क्लेम नहीं होता मेरे ख्याल में जहाँ तक नहीं मेरी नॉलेज में नहीं, नहीं, होता। नहीं होता लेकिन किसी उनको जानते नहीं, नहीं जी प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर क्या है हाँ, उनको एक इंश्योरेंस स्कीम ऐसी दे दी जाए कि उनको एक जो खास तो तौर पे लेबर क्लास को देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाईली है, है, तो, है, है स्किल्ड है।, है, क्या क्या? है उनको जब वो जा रहा हो तो उसके हाथ में एक दें उसको उर्दू में लिखा हुआ दें उनको समझाएं जी देखिये ये आपके राइट्स है और यही आपको अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ ये कुछ होता है तो आपको ये चीज़ मिलेगी और इस तरह आप इसके एलिजिबल हैं ये चीजें उनको देनी होगी दूसरी तरफ यहाँ पर जो इन्वायरमेंट इन्होंने कहा कि दुबई में यस दुबई में सौ अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तानियों का इन्वेस्टमेंट है एंड ऑफ द डे आपको ओवरऑल सिर्फ ये हम आइसोलेशन में एक चीज देख रहे हैं अलहदा करके

क्या हम ऑरेंज और ये मेट्रो और ये ऐसे याशी के मतहमल हो सकते हैं उनके नाम पर आवाम के नाम पर क्या हम सहूलत दे रहे हैं तो सहूलत तो खुद ले रहे हैं अब इनके किक बैक तो देखिए हमने ये पावर प्रोजेक्ट लगाया था जिसका इतना चर्चा हुआ नैप ने भी किया किसको सज़ा हुई किसी एक को बता दें जी इतने किक बैक्स मिले तो अगर आप स्कैंडलों की निकालना शुरू करें ना तो ये छः बिलियन डॉलर तो कुछ भी नहीं है ये तो पीनर्स हैं अगर आप सिर्फ खाली करप्शन जो हमारे सात साल में आठ साल में हुक्मरानों की है जिसको फौज ने करने की कोशिश की तो उनको आइसोलेट कर दिया कि नहीं जी नहीं आप ये सियासी आदमी पे हाथ नहीं डाल सकता एक आम आदमी कर रहा है करप्शन तो कर ही नहीं सकता जो करप्शन कर रहा है उसको हम पकड़ नहीं सकते बताइए बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की जो फिगर आपने दी इब्राहिम साहब बात वो रह गई पिछली के जो है ये खलील भाई ने जो न्यूक्लियर सेट के बारे में बताया अलमदुल्ला खैर इसके बारे में क्वेश्चन रेज हुए लेकिन

अगर हम कहते हैं कि सत्तर लाख पाकिस्तानी इब्राहिम साहब पूरी दुनिया में काम कर रहे तो उसमें तकरीबन पंद्रह लाख पाकिस्तानी दुबई में, में नहीं कर रहे पूरी दुनिया में कह रहे में तो, तो पंद्रह लाख के करीब पाकिस्तानी कम से कम पंद्रह लाख पाकिस्तान में है यूएई में मिडिल में यूएई में बस मिडिल सोलह लाख आई डोंट थिंक इसी तरह 16 लाख के करीब सऊदी अरेबिया में और कोई 15 लाख के करीब अब ये सारा जो जो लेबर क्लास तो अलग बात है और जो रेमिटेंस दे रहा है एक बिजनेसमैन है जो उधर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिन्होंने और पाकिस्तानियों का जो इन्वेस्टमेंट है वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट फिगर्स देता है कि रशियंस का इतना है इंडियंस ने इतना परचेस किया पिछले साल में पाकिस्तानियों ने इतना किया तो पाकिस्तानियों का आ जाता है दो ढाई तीन बिलियन डॉलर सालाना वो आई रहा होता है सिर्फ प्रॉपर्टी में अदर देन दैट जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो मटेरियल्स होते हैं जो दूसरे असेट्स होते हैं वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट आपको नहीं बताता उसके पास है ही नहीं वो डाटा तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तानियों का अबाउट क्लोज टू हंड्रेड बिलियन डॉलर ओवरऑल मिडल ईस्ट में इन्वेस्टेड है और वो इसलिए है कि आपने यहाँ पर एक ऐसा टैक्स रिजीम और एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि इंसेंटिव नहीं है दूसरा कोर्सिव है लॉज ऐसे हैं कि टैक्स पेयर को बड़ी तकलीफ है जो आदमी टैक्स नेट में आता है उसको सबसे ज्यादा तो आपका, आपका लोग चाहते हैं दुबई में नहीं है क्योंकि रॉयल डिक्री किसी भी सुबह सुबह वो चाहता है वो इशू कर देती है और वो उसको चेंज कर देते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से मैन पावर एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करते हैं जब हम कहते हैं दुनिया भर में तकरीबन ढाई मिलियन माइग्रेंट्स काम कर रहे हैं दुनिया भर से अगर इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन की है और इंडिया 25 मिलियन इंडियंस बाहर भेज चुका है पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 200 मिलियन 20 करोड़ की है और अगर टोटल सिर्फ लाख पाकिस्तानी दुनिया में काम कर रहे हैं तो स्किल्ड वर्कर्स और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को बाहर भेजने के लिए आपके ख्याल में क्या इकदाम की जाने चाहिए पहले मैं एक चीज़ और करेक्ट कर दूं कि यू और सऊदी अरब में जी और ख़ास तौर पर खलीज में जितने इंडियंस पहले आ रहे थे वो तो रुक गए अब वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके अपने मुल्क में उनको उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं ख़ासतौर पर आई में इस वक्त दुनिया का नंबर वन मुल्क बन चुका है और सबसे बड़ी इनकम है उसकी टू टू हंड्रेड थर्टी बिलियंस थी आईटी में भी और फार्मा में भी फार्मा में तो खैर चलें एक तो कमोडिटीज है ये तो वो चीज़ है जो आपका कुछ नहीं लग रहा है इसके अंदर सिर्फ मैन पावर ही लग रही है तो वो कहते हैं जी वहाँ पर जो हम इंडिया में पहले सैलरी स्ट्रक्चर इतना कम होता था कि हम माइग्रेट करके जाकर दुबई में वो करते थे सऊदी अरब में करते थे अब इसके उल्टा हो रहा है इवन लेबर क्लास वापस जा रही है आना तो बंद हो गया वो तो कहते हैं कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि खुद इंडिया इतना प्रॉस्पर्स हो चुका है कि अब तो वो आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है कौन सी चीज़ है जो उसने एक्सपोर्ट नहीं की हम हम कहाँ जा रहे हैं हम सिर्फ केले और आम और ऑरेंजेस बेचकर चावल बेचकर बड़े खुश हो रहे हैं गेहूँ बेच रहे हैं जी ये बेच रहे हैं जी यहाँ तक गोश हम भाई आप वो चीज़ बेचें जो तो आपके आवाम को फैसिलिटीज़ मिले और महंगाई ना बढ़े हमने जैसा भी बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा जो पेट्रोल का बजट था इस पर तो तो वन थर्ड हो गया है तो सेवनटी परसेंट पैसा किसके पास गया क्या ट्रांसपोर्टर ने आपके वो सस्ती कर दी या किराए वापस ले लिए जब दस रुपये बढ़ता था पंद्रह रुपये बढ़ता था तो फ़ौर एक रुपये ट्रांसपोर्टर बढ़ा देता था पर पैसेंजर बढ़ते 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 वो पाँच रुपये से या पच्चीस रुपये पहुँच गया पर पैसेंजर अब जब वापस हुआ तो आप जाके किसी उससे पूछें कि भई आपने अब क्यों कम किया कहते जी वो सैलरी बढ़ गई हमारी चीज़ें बढ़ गई यानी इवन फ्रूट वाला कहता है जी क्या फ्रूट पेट्रोल से बनना है कहाँ से कैसे बढ़ा लिया हर चीज़ आप जाके दो सौ रुपये किलो में अब जाके एक दर्जन का केला लेंगे जो हमारे यहाँ साठ सत्तर रुपए था या पहले बीस पच्चीस रुपए था दर्जन का वो सब चीजें खत्म हो गई सऊदी अरबिया बहुत बड़ी मार्केट है कमोडिटीज uh, के लिए वीट और uh, चावल के लिए और टेक्सटाइल्स के लिए भी क्योंकि एक तो लोकल पॉपुलेशन बाकी ईस्ट से ज्यादा है दूसरा उधर पिलग्रिम्स का ट्रैफिक पूरा साल तकरीबन अब तो हज हो गया हूँ हमारे हमारे चावल के ऊपर लगता है इसकी लगता है मैं उसी तरफ आ रहा था कि हमारे पास वीट के स्टॉक सरप्लस हो गए हमारे पास चावल की मार्केट तकरीबन काफ़ी वर्कर्स बाहर भेजने के लिए इसके अलावा स्किल्ड वर्कर्स बाहर भेजने के लिए तो आपको स्किल डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पे इस तरह से करनी पड़ेगी वो भी नहीं वो, नहीं वो तरफ आप इंस्टीट्यूट देखें जो हो रहा है इंडिविजुअली हो रहा है लोग बच्चे अपना अपना सारा कुछ बेचारे करते हैं और फिर बाहर उसके लिए ऊपर लेकिन हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए उसको अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी चाहिए उनके लिए कल दो तीन कल या परसों एक प्रोग्राम आ रहा था उसके ऊपर किसी और चैनल पे कोरिया के जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर सोन और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने वो पाकिस्तान के खैर ख़्वा हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान के उन्होंने वो ये बात हो रही थी कि उन्नीस सौ में हम आए थे आपके यहाँ और आपका इकनॉमिक मॉडल हमने देखा और उसको अडॉप्ट किया फाइव ईयर प्लान्स अडॉप्ट किए जो सवाल करने वाला ये पूछ रहा है कि साहब आपने क्या किया उनका भाई सिक्सटी वन सिक्सटी में हमारे पास इतने हालात ख़राब थे कि हमारे प्रेसिडेंट जर्मनी गए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ कर्जा दिया जाए तो 300 मिलियन डॉलर का उन्होंने वो रो रहे थे उन्होंने जाके कि हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो 300 मिलियन डॉलर्स उन्होंने अप्रूव किया उसके बाद और सवाल ये किया कि आप वापस कैसे देंगे तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो लेबर है और उन्होंने नर्सेज और दूसरे लेबर क्लास जर्मन ने कहा कि हमें भेजो जैसे पाकिस्तान से कहा था उसी तरह उन्होंने कहा कि आप हमें दें और उन्होंने भेजे उनकी सैलरी से कट के वो कर्जे अदा हो रहे थे नहीं लोगों ने भी कुर्बानी दी लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि हमें तो ये आवाम ने भी कुर्बानी दी हुकूमत ने फाइव ईयर प्लान्स दिए और वही फाइव फाइव ईयर प्लान्स दिए जो हमारे डॉक्टर महबूबा लख साहब हमारे हमारे यहाँ भी देते रहे हैं ये हमें दोबारा उस तरफ जाना पड़ेगा हम वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ईयर हम जो बेसिक बातें कर रहे हैं इस वक्त जो बजाय इसके कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें करें और किस तरह फैसिलिटेशन करें हम वो बातें करें कि गैस बिजली पानी सिक्योरिटी ये बड़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं ये तो बड़े शुरू में हो जानी चाहिए होती हैं उसके बाद ये सवाल ही नहीं है नॉन इशू होने चाहिए जो इशूज हैं आज इशू ये होना चाहिए कि आप किस तरह वन विंडो फैसिलिटीज हैं इन्वेस्टर को किस तरह फैसिलिटेट करेंगे किस तरह आप ग्रोथ अचीव करेंगे ग्रोथ अचीव करनी है आपको साढ़े सात सात परसेंट की तब जाके आपका सालाना जो तीस चालीस लाख बंदा आपका मार्केट में आता है हर साल यंग वो उसको जॉब्स चाहिए उसको आप जॉब इसलिए नहीं दे सक रहे कि आपकी चार फीसद पर अटकी हुई है ग्रोथ आप सात फीसद करेंगे तब आपको ये ग्रोथ मिलेगी और दूसरा रास्ता यही है कि ओवरसीज और ओवरसीज़ में आपके जब एग्रीमेंट्स होते हैं तो इसको एज एन एक्सपोर्ट कमोडिटी आप ट्रीट करें गेट के लेवल पे भी इसको आप हर जगह ये कोशिश करें कि मैन पावर एक्सपोर्ट हमारी बढ़े और उनको प्रोटेक्शन दें उनको इंसेंटिवाइज करें ये जो आपने बात की तौर पे के नए लोग आ रहे हैं ग्रेजुएट्स होकर मार्केट में आ रहे हैं खरीद साहब आप आपके पास तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है ये जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं इसको बेहतर करके हम आ, दुनिया भर में पाकिस्तान में भी अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं कि दुनिया भर में अपनी सर्विस दे, देखिए फिर मैं आपको कहूँगा आपका एजुकेशन का बजट क्या है पीनट्स दुनिया एजुकेशन के बजट की वजह से ही तरक्की करती है दे, दे, दे। और हमारे यहाँ तो अगर चंद खाली मेरा ख्याल है चंद करोड़ रुपए बढ़ा दिए थे इन्होंने परवेज मुशर्रफ़ साहब ने आकर अदरवाइज़ हमसे तो आज तक एजुकेशन के नाम पर जो हम इम्पोर्ट करते हैं जो चार परसेंट लगाया गया था वो आज तक हम दे रहे हैं एजुकेशन तो गई ऐसी तेही में वो क्या देते हैं लेकिन हम टैक्स अभी भी अदा कर रहे हैं मैं आपको एक चीज़ और बड़े मजाखेज़ बताऊं जो आपके नाजरन हैरान होंगे जब हमने उन्नीस ये जो मैंने आपको मिसाल दी थी ये जो सिक्सटी में जब हमको मांगना था आ, जर्मनी ने जब हमने नहीं दिया तो आपको सुन के ताजुब होगा जर्मनी ने पाकिस्तान से लोन मांगा और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस वक्त बारह करोड़ रुपए दिए थे हमारा पाँच रुपये का डॉलर था उसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हमारी गवर्नमेंट के पास शुक्रिया का लेटर मौजूद है यानी हमारा मुल्क ने जर्मनी को लोन दिया हुआ है हमने वो तो नहीं दिया है अच्छा मैन पावर तो वेस्ट जर्मनी थे नहीं। जी नहीं नहीं जी थे मगर हमने वेस्ट जर्मनी को दिया वेस्ट जर्मनी को दिया ये रिकॉर्ड है आप रिकॉर्ड का हिस्सा है हमारे तो देखिए इतने लोग मुखलिस थे कि उन्होंने अपने जेवरात महाराजे राजे आए थे रख कर आपने करेंसी निकाली थी उस ज़माने में यह रिवाज नहीं था जाओ जितने मर्ज़ी नोट छापो उसकी गारंटी रखनी पड़ती थी इतना सोना रखना पड़ता था इतनी कमोडिटीज रखनी पड़ती थी फिर उसके हिसाब से स्टेट बैंक नोट छापता था अब कोई कमोडिटीज कोई सोना बल्कि उनके सोना भी बेच चुके होंगे मेरा ख्याल अब तो नकली रखे होंगे अगर होंगे जितना मर्जी आए जो गवर्नमेंट आती है नोट छापो नोट छाप दो कोई हिसाब किताब नहीं यही वजह है कि हमारा रुपया गिरते 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 कहाँ हम पाँच रुपये का डॉलर वो करते थे और आज कहाँ हम एक सौ दस रुपये में भीख भी मांग रहे हैं पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया होगा ना आज से दस साल पहले आठ साल पहले वो नुकसान में है इसलिए नुकसान में कि चालीस फ़ीसद तो वैसे ही उसका बेचारे का डिप्रिशिएट हो गया अगर वो पाँच छः फीसद कमा भी रहा होगा उस पर तो, तो उसका वही पूरे का पूरा वो अगर उससे बेहतर यही है कि अगर उसने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हो तो शायद वो ई विल बी बेटर ऑफ अदर देन दैट अगर वो किसी बैंक में उन्होंने रखा है सेविंग्स में रखा है उसके लिए कोई वो नहीं है बैंक की सबसे बड़ी बोरोवर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो कम्पिटिटर टू दी प्राइवेट सेक्टर है इसी वजह से इस वक्त हमारी ग्रोथ नहीं आ रही इसकी वजह कि प्राइवेट सेक्टर को ज़ाहिर है कि वो पैसे नहीं मिलते जो हुकूमत ले जाती है वर्किंग कैपिटल वो एस सेक्टर एस सेक्टर को बूस्ट करने की बड़ी जरूरत है क्योंकि उसमें लोकल इन्वेस्टमेंट और फॉरन इन्वेस्टर

अब मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ क्योंकि मेरा हमारा मेडिकैम की एक्सपोर्ट होती है सब जगह तो हम जाकर देखते हैं अब वो लोग जो आ रहे थे वो कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ कोई इज्जत नहीं है हमारी कोई सेफ्टी नहीं है हम दहशत गर्द हैं मुसलमानों के नाम पर हम एक ब्लैक एक टीका बन चुके हैं हर आदमी अलावा चंद ऐसे जैसे, जैसे कनाडा इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है लेकिन अमेरिका नहीं करता प्रोटेक्ट वहाँ तो इस अभी देखे ना उनका जो सदर इलेक्शन लड़ रहा है वो किस नाम पे लड़ रहा है क्या किस नाम पे है? कि जी मुसलमानों को बाहर निकालो अब एक चीज शुरू हुई है उसी पे बुनियाद हार तो रख दी ना बिल्कुल और कितनी वो बढ़ती है जो आदमी अफेक्टेड होगा ना जैसे हमारे वर्कर्स हैं या हमारे बिजनेसमैन हैं बहुत ब्रिलियंट्स हैं बड़ी मेहनत करते हैं इंजीनियर्स हैं डॉक्टर्स हैं अब जो उसके बराबर में जो घोड़ा बैठेगा और वो देखेगा यार ये तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया इसका तो घर भी है इसका हो गया है मेरा तो अभी तक तीस साल का लोन ही नहीं पूरा हुआ देखिए वहाँ पौरा ही मकान के ऊपर दस परसेंट भरिए आपको तीस साल का लोन मिल जाता है बड़ा पी नर्स के ऊपर तीन परसेंट ढाई परसेंट के ऊपर अब वो तीस साल लगाता है अपना कर्ज़ा उतारने में हमारा मुसलमान जाकर दो साल में खुद अपना घर भी ख़रीद लेता है अपने बच्चों को भी बुलाता है तो वो अब वो अब नफरत अब शुरू हुई है और वो अब देखते हैं यार ये ये कौन आ गया मेरे पास आ गया और अपना घर भी उसका हो गया है इसके बच्चे भी कहाँ जा रहे हैं कहाँ पढ़ रहे हैं तो जेलिस के पास गाड़ियाँ भी नई नई किस्म की आ रही हैं मैं वही एक गाड़ी को चला रहा हूँ मैं आज आद, क्योंकि आधा खर्चा वो बीवी को भी दे, देना पड़ता है ना वहाँ तो सब चीज़ हर चीज़ बीवी से बगैर पूछे तो कुछ कर भी नहीं सकता नहीं ये अच्छा मरने के बाद भी उसके वादे मैंने पता नहीं कौन सी वाली इनकम देता है आधे वाले तो ये सब चीज़ें अब जो नफरत की दीवारें शुरू हो गई हैं पूरे यूरोप में देखिए इवन इंग्लैंड में अभी आपने देखना जर्मनी में एक बंदी ने एक बंदे ने उसको कत्ल कर दिया था बुरका पोश खातून को कि साहब ये मेरे मुल्क में आके ये कौन होती है न, नकाब हो हिजाब करने वाली

इस हवाले से ऐस सच कोई आपके नहीं, 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 इब्राहिम साहब के इब्राहिम साहब की एक बात वो करता हूँ देखिए कमर्शल अटैचीज जो हमारे स्लीपिंग वो हैं उनकी जगह